नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। तो छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में सतनामी समाज के लोगों द्वारा उग्र प्रदर्शन किए जाने की खबर सामने आई है। असल में सतनामी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहां प्रदेश भर से हजारों की संख्या में सतनाम समाज के लोग पहुंचे थे और दशहरा मैदान में एकजुट होकर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान आक्रोशित भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हो गई और आरोप है कि समाज की आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी कर दी। कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर बवाल करने के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर और एसपी का ऑफिस में आगजनी कर दी और सैकड़ों गाड़ियों को फूंक डाला। इस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी संज्ञान लिया है। घटना की निंदा करते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई, कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी, कि पूज्य अमर गुफा में जैत खाम, तीन जैत खाम को क्षति पहुंचाई गई थी और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट हुआ। समाज के प्रमुख लोगों ने कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे। हम सब बहरहाल स्थिति क्या बनी हुई है जानने के लिए सीधा रुख कर लेंगे हमारी सहयोगी की ओर, अंबिका, डॉक्टर अंबिका मिश्रा हमसे जुड़ी हुई है। अंबिका, बहुत ही नाजुक घटना जो बलौदा बाजार से सामने आ रही है, ना जाने कितनी गाड़ियां आक्रोश की भेंट चढ़ गई है, उपद्रवियों ने जमकर लोगों की संपत्ति को क्षति पहुंचाया है। सबसे पहले तो बताइए कि ये घटना जो है किस कारण से हुई है, इसका पूरा विस्तृत जानकारी क्या है। देखिए स्नेहा, जिस प्रकार से हम बात करें तो ये सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास किया गया है, तो हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे ऐसी बड़ी घटना है जहां पर कोई एक समाज के द्वारा जो है सरकारी संपत्ति के साथ साथ जो आम आदमी उनकी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अभी बीते कुछ महीनों पहले कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो गुरु घासीदास बाबा जी के जो समर्थक हैं उनका जो तीर्थ स्थल यहाँ पर बनाया गया है बलौदा बाजार जिले में, वहां पर जो जैत खाम होती है, जिस प्रकार से उनके एक प्रतीक, धर्म प्रतीक होते हैं, वैसे ही सतनाम समाज के एक धर्म का प्रतीक होता है जिसे लोग बहुत अच्छे से पूजते हैं, जिसे जैत खाम कहा जाता है। उस जैत खाम को असामाजिक तत्वों के द्वारा काटने का प्रयास किया गया था और उसके साथ ही साथ एक और जो सतनामी समाज के जो तीर्थ स्थल है वहां पर के जो झंडा जो उसमें लगा हुआ था उसे भी निकाल के फाड़ने का किसी ने शरारत इसमें की थी। उसके बाद से लगातार जो है सतनामी समाज जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ शासन प्रशासन पुलिस विभाग सबसे ये कार्यवाही करने की मांग कर रहे थे और वो रायपुर तक भी पहुंचे थे। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की थी और सरकार की तरफ से सीबीआई जांच करवाने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन ना जाने क्यों कल एक ऐसी घटना घटी कि कल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पर जो सतनामी समाज, जो प्रदेश सतनामी समाज के जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने शांतिपूर्वक तहसील जो कलेक्टर हैं और एसपी को ज्ञापन देने के लिए उन वहां पर पहुंचे हुए थे। पुलिस ने पहले से चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी क्योंकि पूरे प्रदेश भर से समाज के लोग वहां पर आने वाले थे, तो कहीं ना कहीं अनहोनी की भी आशंका प्रशासन को थी, इसलिए उन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था बना रखी थी। शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन ज्ञापन सौंपने के बाद ना जाने ऐसा क्या हो गया कि जो वहां पर इकट्ठी हुई जो भीड़ थी वो अचानक से उग्र हो जाती है और एक जो देखते ही देखते वो प्रदर्शन जो है वो उग्र प्रदर्शन का रूप ले लेता है और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए सतनामी समाज के जो युवक हैं
वो कहीं ना कहीं कार्यालय के अंदर चले जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। पहले तो वहां रखी हुई गाड़ियों के साथ में तोड़फोड़ करते हैं, आम आदमी की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं। और देखते ही देखते इस प्रकार से ये जो चीजें जो फैली, इस प्रकार से घटना जो फैली है, पुलिस बल भी ये चीज के लिए तैयार नहीं हो पाया था कि, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो प्रदर्शन है इतना उग्र प्रदर्शन का रूप ले लेगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस बल की वहां पर कमी रही, लेकिन धीरे धीरे रहते में ही पुलिस वालों ने भी उनका मुकाबला किया। और हाल फिलहाल जो आपको जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, कार्यालय जो पूरी तरह से जल गया है, करोड़ों रुपए की जो संपत्ति, सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, और इसे लेकर के तमाम तैयारियां हुई, गृह मंत्री वहां पर गए, कई नेता वहां पर गए हैं। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि आज सुबह करीब दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में आज एक हाई लेवल की मीटिंग जो है यहाँ पर रखी गई थी, और उसमें प्रदेश के सतनामी समाज के पदाधिकारी भी उस बैठक में मौजूद थे, गृह मंत्री वहां पर मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री अरुण साह वहां पर मौजूद थे। और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि जिस प्रकार से ये जो घटना हुई है उस घटना की न्यायिक जांच की जाएगी, सीबीआई जांच की आदेश दे दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो भीड़ का जो हिस्सा जो बने थे, जो असामाजिक तत्व, जो समाज के लोगों का रूप लेकर के जो वहां पर पहुंचे हुए थे, उनकी पहचान कर उनके ऊपर कार्यवाही करने की बात कही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि ज्ञापन सौंप दिया गया, उसके बावजूद भी ये घटना जो है किस तरह से घट गई है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया, उन्होंने भी कहा कि बैठक हो चुकी है जो समाज के लोग हैं उनके साथ, मामला शांत हो चुका था, उसके बावजूद भी जो है इस प्रकार की हिंसा वहां होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है अंबिका, क्योंकि यहाँ पर देखिए आंदोलन की बात हो रही है, तो आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी जो है मिले हुए हो सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है। हालांकि आरोप ये भी लग रहे कि कांग्रेस के नेता भी जो है इसमें शामिल है, और कहीं ना कहीं कुछ रेजिमेंट और भीम रेजिमेंट और अन्य संगठन का नाम सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट जो वायरल हो रहे थे उसे लेकर एक तरफ से ये बात कही जा रही है कि इन भड़काव पोस्ट के कारण ही ये हिंसा जो है भड़की है। देखिए अगर हम बात करें धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की और सांप्रदायिकता के नाम पर जो है लड़ाई करवाने की बात जो अभी से नहीं, वो सोशल मीडिया पर भी कई प्रकार की अफवाहें फैला दी जाती है, जिसका जो है लोग आजकल सोशल मीडिया पर आने वाली पोस्ट पर बिना देखे भरोसा करते हैं, और उसके साथ ही साथ इसका गलत उपयोग भी उन लोग करते हैं। लेकिन बात बना दें, अभी तक जो समाज वहां पर पहुंचा हुआ था, जो पदाधिकारी वहां पर ज्ञापन देने पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो उस भीड़ का जो हिस्सा थे वो असामाजिक तत्व थे, क्योंकि वो भी ये मानने को तैयार नहीं है। और समाज के प्रमुखों का भी ये कहना है कि यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है, यदि किसी की पहचान होती है, तो आप उसको कठोर से कठोर आप सजा दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जिसमें 2-3 संगठनों के नाम मिलकर सामने आ रहे हैं, तो देखिए राज्य की या देश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास जो किया जा रहा है, तो सबसे जो आसान तरीका जो आजकल लोगों को जो लगता है, वो धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का जो तरीका जो लोगों ने जो अपना रखा है, हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार के मामले ही जो है धर्म के नाम पर चढ़ाने के मामले जो है ये बलौदा बाजार में आए थे, और बलौदा बाजार से ही ये सारी चीजें वहां पर आई है। और जिस प्रकार से युवकों के द्वारा यहाँ पर ये आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिस प्रकार से मारपीट को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पहले से ही सोच के या समझ कर आए हुए थे कि हमें इस प्रकार की घटना को अंजाम देना है, ताकि आने वाले समय में जो राज्य में जो शांति हुई है के रूप में जो लोगों में जो एकता दिखती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कई राजनेता के, अब जो कांग्रेसी है उनके भी बयान आ रहे हैं, कांग्रेसियों का भी ये कहना है कि यदि इस प्रकार की कोई अगर कोई दोषी पाया जाता है तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें, उनके खिलाफ न्यायिक जांच करें। तो कहीं ना कहीं ये अब ये जो सौहार्द बिगाड़ने का जो मामला है, प्रदर्शन का जो मामला है, वो कल रात से अब एक बड़ा राजनीतिक रूप ले चुका है, और अब इसे सियासी रूप दे करके इसे इस कहानी को कहीं और मोड़ने का प्रयास जो है अब राजनीतिक गलियारों में किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें ये सियासी रंग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि अभी अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, काफी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, प्रधानमंत्री ने शपथ भी लिया, उसके बाद ही इस तरह की हिंसा का आना, और एक तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर कह सकते हैं। कई ऐसे पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे थे जो भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वही उप मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस के कुछ नेता जो है इसमें शामिल है, और इसी के तहत जो हिंसा जानबूझकर प्लानिंग के तहत की गई है, क्योंकि घटनास्थल पर पेट्रोल बम का मिलना भी एक तरफ से ये इंगित कर रहा है कि प्लानिंग के तहत ही ये हिंसा जो है हुई है, और सियासी मोड़ जो है इसमें दिया जा रहा है।
जी इसे अब हम कह सकते हैं कि सियासी मोड़ इसे दिया जा रहा है और इसके पहले भी सियासी मोड़ दिया गया होगा ये भी कहना लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से वो प्रदर्शनकारी जो वहां पर पूरी तैयारियों के साथ आए थे तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये पहले से बना हुआ था कि हमें इस प्रकार के तोड़फोड़ करना है, इस प्रकार का वहां पर उग्र प्रदर्शन करना है और सरकार के खिलाफ जो कहीं ना कहीं जो सरकार के खिलाफ में ये चीजें आई हैं, क्योंकि अब विपक्ष लगातार सरकार की जो कमजोरियां वो गिना रहे हैं। विपक्ष ये कह रही है कि सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी, जिला प्रशासन मुस्तैद नहीं था, भाजपा की सरकार में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सियासी रंग दिया है। लेकिन ये जो जितनी घटना हुई है वो कहा जा सकता है कि सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस प्रकार के वहां पर जो वातावरण निर्मित हुए हैं वो एकमात्र ज्ञापन सौंपने पर, इस प्रकार की स्थिति कभी निर्मित आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। लेकिन अब जो है जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से कहीं ना कहीं ये पहली एक ऐसी घटना है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में जहां पर इस प्रकार की आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि जहां पर अब धारा 144 तक लगा दी गई है, लोगों को एक साथ वहां पर भीड़ इकट्ठा होने नहीं दे रहे हैं, शासन प्रशासन लगातार जो है वहां पर नजरें जमाए हुए कि कहीं और कोई छुटपुट हिंसा के रूप तो सामने नहीं आ रहे। लेकिन स्नेहा मैं एक साथ ये भी और बताना चाहूंगी, जिस प्रकार कल जो बलौदा बाजार की घटना जो तस्वीरों में हम अभी देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसी प्रकार की अब छोटी छोटी घटनाएं जो है छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भी देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि समाज के द्वारा जो रायगढ़ जो क्षेत्र है, रायगढ़ के क्षेत्र में भी अब इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक कोई अनहोनी की खबर नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रायगढ़ साइड में, बिलासपुर जिले में, रायगढ़ जिले में, जांजगीर जिले में, तो कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं वो इस विरोध प्रदर्शन को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर जो सरकार है, शासन है, प्रशासन है, वो लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रही, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग पा रहा है कि हालात अभी काबू में होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हालात काबू में तब हो पाते जब ये वाकई में धर्म से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होता, क्योंकि इसे धार्मिक इस मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में घमासान होगा और ये चीजें और आगे तक जाने की संभावना है, ऐसा जो लोग हैं, जो जानकार हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये मानना है। जी जी बिल्कुल, मतलब इस विरोध को और हवा जो है दी जा रही है और आगे चलकर क्या कुछ होगा ये वाकई देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की मुस्तैदी की अगर बात की जाए तो वो कैसी है अंबिका, क्योंकि धारा 144 तो लागू है क्षेत्र में, लेकिन पुलिस की तैनाती किस तरह से है, जांच और कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं, प्रशासन द्वारा क्या रुख अपनाया जा रहा है? देखिए प्रशासन के द्वारा बात करें तो जिस प्रकार से कल जैसे ही इस घटना का जो पता चला तो सबसे पहले जो है वहां पर पुलिस बल को यहां से भेजा गया है, रायपुर से फायर ब्रिगेड की जो अग्निशमन जो गाड़ियां हैं उसे वहां पर भेजी गई हैं, पुलिस बल यहां से भेजी गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये घटना 2 बजे की थी, ये 2 या 2:30 बजे दोपहर की घटना बताई जा रही है, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन का लेट से पहुंचना, विलंब से पहुंचना कहीं ना कहीं प्रशासन में भी थोड़ी सी जो शिथिलता है उसको दर्शाता है, ये ऐसा कहना है वहां के प्रत्यक्ष दर्शियों का। ये लोग कह रहे हैं कि ये घटना दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना है, लेकिन वहां पर अग्निशमन यंत्र और जो पुलिस बल है वो करीब 4 से 5 बजे शाम को पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि यदि पुलिस और जो अग्निशमन यंत्र है यदि सही समय पर अगर वो वहां पर आ जाते तो शायद इतनी बड़ी आगजनी की घटना और ये हिंसा इतना जो हिंसा है वो बड़ा रूप नहीं ले पाता। तो जिस प्रकार से अब अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो अब चप्पे चप्पे पर बलौदा बाजार पे वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है, अलग अलग टुकड़ियों में लोग वहां पर हैं, हर एक आने जाने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है, आधार कार्ड जो उनकी पहचान पत्र है वो चेक किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी बता दें स्नेहा कि जिस प्रकार से न्यायिक जांच की मांग उठी थी तो आज सुबह करीब 10 बजे जो है फोरेंसिक टीम जो है रायपुर से वहां पर बलौदा बाजार पहुंची थी, वहां पर एक एक चीजों की बारीकी से वहां जांच की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो भी फुटेज, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे कैंपस में लगे हुए हैं तो उसमें जो चीजें फुटेज उनके पास में आती जा रही है उसे रखते जा रहे हैं, उसके बाद दोषियों की पहचान करने के बाद में उनके ऊपर कार्यवाही करने की बात फिलहाल कह रही है। लेकिन बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस जवान की वहां पर तैनाती की गई है, सुरक्षा बलों को वहां पर भेजा गया है, तमाम तैयारियां हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी वहां पर शांति का माहौल नहीं है, क्योंकि अभी जो है हमें कहीं प्रदर्शन या हिंसा देखने को नहीं मिल रही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है कि ये घटना फिर से दोहराई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भय, और हम ये कह सकते हैं कि अब तक की ये सबसे बड़ी घटना है छत्तीसगढ़ में जो किसी धर्म के नाम पर इस प्रकार से जो समाज के द्वारा एक विकराल जो रूप जो दिखाया जाता है वो शासन और प्रशासन को दिखाया गया है। लेकिन फिलहाल शासन और प्रशासन अपने स्तर पर जुटी हुई है,
लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और जो असामाजिक तत्व है उनकी पहचान करने में अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ की जो सरकार है प्रशासन है वो जुटी हुई है। जी बिल्कुल, इस प्रदर्शन के रोकथाम के लिए पुलिस को तत्परता से काम करना होगा। हालांकि इस हिंसा के लिए, इस घटना के लिए प्रशासन पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पथराव हुए हैं, जिस तरह से आगजनी हुई है, ये दिख रहा है कि प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ही ये हिंसा जो है भड़काई गई है और इसमें जो भीम रेजिमेंट और अन्य संगठनों का नाम सामने आ रहा है। जब सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रहे थे तब प्रशासन बेखबर क्यों थी, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और जैसा कि आपने बताया डॉक्टर अंबिका की प्रशासन का घटनास्थल पर देर से पहुंचना भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर कितनी तत्परता से कार्रवाई करती है। हालांकि निर्देश तो दे दिए गए हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद डॉक्टर अंबिका मिश्रा हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दे बलौदा बाजार हिंसा में भी सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां राज्य सरकार का दावा है कि समाज के लोगों के साथ बैठक होकर मामला सुलझा लिया गया था, वहीं कुछ अन्य संगठनों का पोस्ट सोशल मीडिया पर चलता रहा जिसमें भाजपा द्वारा आंदोलन को कमजोर करने का दावा करते हुए भड़काऊ पोस्ट काम करते रहे और इसी के तहत जो है प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि ये हिंसा जो है कहां तक जाएगी और प्रशासन कितने जल्दी इसे रोकने का काम करेगी। और भी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे रफ्तार मीडिया। नमस्कार।